पंजाब प्रदेश पल्लेदार यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर मानसा में खाद्य निगम के गोदाम के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और रोष रैली निकाली गई। पल्लेदारों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सीधे भुगतान का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी। पल्लेदारों को संबोधित करते हुए कर्मा सिंह और मक्खन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने गठन से पहले पंजाब प्रदेश पल्लेदार यूनियन से वादा किया था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करके और ठेकेदार को बीच से निकालकर मजदूरी का भुगतान सीधा पल्लेदारों को किया जाएगा, मगर 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं हुई है। प्रदर्शन तो इस गलों कर रहे हैं जी, साढ़े ना कांग्रेस सरकार ने आने तो पहले साढ़े ना वादा किया सी भी सोडिया जो ठेकेदारी सिस्टम है इनू खत्म करके भी जो थोड़ी पेमेंट है सू सीधी दिखती जाऊगी भी ठेकेदार बेचो विचोला कटे जाऊगा। साड़ी यही मेन मंग सी, मंगा तो साढ़िया होर भी सियाँ जिमें हूँ दवाई है कोई सट लून लग जाती है टाइम टेबल का भी है सिस्टम साढ़ा कोई टाइम टेबल हो चलो बाद मंगा मेन मंग साड़ी यही थी भी साडा जो है ठेकेदारी जरा जी पेमेंट होती है सूँ भी अभी सीधी हो ठेकेदार बेचो कमीशन ना कर सा मेन मंग यही सी। अभी सरकार को कहने भी जल्दी तो जल्दी साड़ी यह मंगा पूरी करिए नहीं पूरी करिए उन्होंने अभी काम नहीं चला जी। मंग रहे मंग करते हैं सरकार तो साढ़ा बहुत 2016 तो भी यही कभी कप हुए सी कैप्टन साहब ना साढ़िया उत्थे भी नहीं मंगा पूरी हुई जी। असी रोसा जी साढ़ा सारे पंजाब कम बनता जी मुकम्मल कम बनता है साढ़ा हड़ताल करिए जी असी इसकी भी साढ़ा ठेकेदारी सिस्टम खत्म हो जाए जी ठेकेदारी सिस्टम वास्ते हड़ताल करिए जी असी साढ़िया मंगा सरकार पूरी करे जी नहीं उन्ना चिक हड़ताल साड़ी जारी रहू जी।